फर्स्ट क्वेश्चन है कुलदीप कौर सर जी प्लीज टेल मी द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीएससी इकोनॉमिक्स विद मैथ्स। बीएससी इकोनॉमिक्स विद मैथ्स हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आपने क्या क्या पढ़ा है, मैथ्स इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये आपने 3 इयर्स पढ़ा है और ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो दूसरे जनरल इंग्लिश जनरल पंजाबी अगर आपने पंजाब से किया नॉर्मली ये होते हैं, ये मान के चल रहा हूँ। आपको स्पेसिफिकेशन पूरी देनी चाहिए थी। ये मैथ्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी एड, तो टीजीटी के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसने टीच करना होता है 10th क्लास तक करना होता है, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर ये आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब के लिए इमीडिएट एलिजिबल बनना, तो आपका मैथ्स बेस्ट सब्जेक्ट बन रहा है और कंप्यूटर बन रहा है। इट मींस फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका बन गया मैथ्स एंड कंप्यूटर, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपका इन दोनों में से इंटरेस्ट किसी में कम है या अगर आप टीजीटी की बजाय किसी पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, पीजीटी मीन आप 10+2 तक टीचर एलिजिबल होना चाहते हो, या तीसरी कंडीशन एक क्या थी, इंटरेस्ट आपका अगर चेंज है, दूसरा अगर आप पीजी कोई की हुई है आपने, कोई फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स की हुई है, मैं मान के चल रहा हूं इकोनॉमिक्स की हुई है, या इंग्लिश की हुई है, ओके, या पंजाबी की हुई है, मोस्ट ऑफ दी कंडीशन में आपने इकोनॉमिक्स की होगी ज्यादा कैंडिडेट में। अगर किसी कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन इस बीएससी इकोनॉमिक्स मैथ्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स इंग्लिश या पंजाबी इसमें से किसी की हुई है तो और इंटरेस्ट उसमें है कि वो एक सब्जेक्ट के लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल होना चाहता है, उसका स्कोप उसे मैथ के लिए ज्यादा दिखाई देता है, तो वो पहला लेगा मैथ और साथ में मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स की गई है, पहले केस में मैं ये लेके चलता हूं कि आपने इकोनॉमिक्स की ली है, तो इकोनॉमिक्स के केस में आपका ये सेकंड कॉम्बिनेशन फिर बन रहा है मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स, ये सेकंड कॉम्बिनेशन आपका बन गया। हाँ, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट कम है, आपको लगता है कि आपका आप कंप्यूटर के टीचर बेटर बन सकते हो, ये इंटरेस्ट की बात होगी, फीलिंग्स की, इमोशंस की। दूसरी लॉजिक की बात बताता हूं कि कंप्यूटर साइंस के टीचर विदाउट बीएड वाले भी अभी तक एलिजिबल चल रहे हैं, दैट इज व्हाई ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा डाउन कई रेटिंग करते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं न्यूट्रल हूं। तो अगर ऐसा लगता है मतलब आप कंप्यूटर के फेवर में जा रहे हो जो पॉसिबल बहुत कम सिचुएशन में है, तो इसको थर्ड बना सकते हैं हम कि कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है उस सिचुएशन में, अच्छा है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस हो या पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। यहां आपको कंप्यूटर साइंस करके टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, ये मैंने बता ही दिया है कि टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो इसने इसने, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप आपको पीजी चाहिए, यहां पर है ना टिक लगा, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी आप बनोगे अगर ये करते हो। तो अगर आप मैथ्स के बन रहे हो ये आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, कंप्यूटर के भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, ये अब आपकी प्रेफरेंस है कि आपने गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएड पूरी करनी है, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा, लॉजिकली यही रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट पैशन कोई और है, दीवानगी है किसी और सब्जेक्ट के साथ, जहां इकोनॉमिक्स की आपके पीजी की हुई हो, देन ये आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, लेकिन वो मैथ्स के साथ ही लीजिए तो मच बेटर है। कंप्यूटर के साथ ही थर्ड ऑप्शन आप ले रहे हैं, उसमें आपकी कंप्यूटर की रेटिंग डाउन इसलिए चलती है कि एलिजिबिलिटी नॉन बीएड वाले भी होते हैं और आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए, अगर नहीं की हुई तो आप 2 साल लगाओगे पीजी करने के लिए। हाँ, आपके लिए एक गाइडेंस है, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या यूजीसी की गाइडलाइंस अब आई है कि 2 कोर्सेज सेम टाइम, एक वीडियो निकाला है उसका लिंक भी दिया गया होगा कि आप 2 कोर्सेज साइड बाय साइड कर सकते हो, एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से और एक आप रेगुलर, फॉर एग्जाम्पल आप बीएड रेगुलर कर रहे हो तो आप एमए इकोनॉमिक्स ओपन एंड डिस्टेंस
लर्निंग से ओडीएल से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि मैंने टीजीटी के लिए ही एलिजिबल बनना है तो इनमें से मुझे सिर्फ एक जो सब्जेक्ट पसंद है, आपका इनमें से बेस्ट जो सब्जेक्ट बन रहा है ना वो मैथ्स बन रहा है, तो मैथ्स के साथ आप दूसरे के चूज करना चाहते हो टीचर बनना, लेकिन कंप्यूटर साइंस के इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो नॉन बीएड वाले एलिजिबल है, दैट इज वाई आपको इंग्लिश या पंजाबी में से कोई लैंग्वेज चूज करनी होगी। तो वो उनको पीछे रैंक में क्यों रख रहा हूं, फोर्थ रैंक पर क्यों रख रहा हूं, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको इंग्लिश के अगर आप बनते हो तो 3 साल के 2 पेपर्स मतलब 6 पेपर्स 1 मंथ में हो जाते हैं, 1 मंथ में हो जाते हैं। आपको ये एडिशनल पेपर देने होंगे, एडिशनल देने के बाद आप पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये मैं बता दूं, ये भी टीजीटी है, ये पीजीटी है और ये टीजीटी है और ये टीजीटी है। इनमें से अगर आप एमए इंग्लिश कर लेते हो तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, एमए पंजाबी कर लेते हो तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एमए इकोनॉमिक्स कर लेते हो तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको यही सब्जेक्ट को प्रेफर करना चाहिए, हर हालत में इसी को प्रेफर करना चाहिए। हाँ, बहुत इससे डरते हो तो सेकंड पर आना चाहिए। बाकी लॉजिक्स आपके क्या हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके मुताबिक जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसके मुताबिक आप कोई लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं जिनके आप टीचर बनना चाहते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। थैंक यू।